दिखाते हैं एलओसी पर न्यू ईयर और कैसे उससे है पाकिस्तान में फियर। दरअसल नए साल पर एलओसी से दो बड़ी तस्वीरें सामने आई। सेना प्रमुख मनोज पांडे पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास पहुंचे, उन्होंने सीधा मैसेज दिया कि हिंदुस्तान तैयार। दूसरी तस्वीर सामने आई उरी से, जहां सेना ने स्पेशल ट्रेनिंग की। इन सब के बीच इस्लामाबाद ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर हिंदुस्तान से बड़ी जानकारी शेयर की है। यह लिस्ट इस्लामाबाद में भारतीय अधिकारियों को सौंपी गई, जो कि पूरा सिनेरियो बना है उससे लेकर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ। क्यों पाकिस्तान दहशत में, आपको समझाते हैं हमारी इस रिपोर्ट। एक जनवरी को न्यूक्लियर हथियार पर सबसे बड़ी खबर आई। ये खबर न तो रूस से है, न यूक्रेन से, न अमेरिका से, न चीन से, बल्कि ये खबर आई है इंडिया और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर। पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार कहां छिपा रखे हैं, इसकी लोकेशन हिंदुस्तान के पास है। पाकिस्तान ने कितने नए परमाणु ठिकाने बनाए हैं, ये भारत को पता चल गया है। पाकिस्तान का कौन सा एटम बम कितना बड़ा है, इसकी पक्की खबर हिंदुस्तान को है। ये कोई हवा हवाई बातें नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की पूरी लिस्ट अब भारत के पास है, जिनकी जानकारी खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने दी है। अपने एटम हथियारों के दम पर गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान ने पिछले दो साल में एक बार एटम बम की धमकी दी, और वो भी हाल ही में। उसी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूतावास को बुलाया और परमाणु ठिकानों की लिस्ट शेयर की। पाकिस्तान की तरह ही भारत ने भी 1 जनवरी को यह प्रक्रिया अपनाई और परमाणु ठिकानों की सूची सौंपी। एटमी ठिकानों को लेकर भारत और पाकिस्तान ने 31 दिसंबर 1988 को एक समझौता किया था। इस समझौते को 27 दिसंबर 1991 को लागू कर दिया गया। इसके बाद 1 जनवरी 1992 को पहली बार दोनों देशों ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी साझा की। इसके बाद से हर 1 जनवरी को यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसका मकसद होता है जंग की सूरत में ऐसी जगह पर हमला नहीं करना जहां परमाणु हथियारों को रखा गया है। इसके अलावा परमाणु खतरे को लेकर भी एक समझौता है, जिसमें दोनों देश किसी एटमी हथियार से होने वाले हादसे की सूचना साझा करेंगे, ताकि रेडिएशन से दोनों देशों पर असर न पड़े। इस एग्रीमेंट का मुद्दा ऑब्जेक्टिव ही है। जैसे अभी आप यूक्रेन वॉर में देखिए, ज़ापोरोजिया का जो प्लांट है, जहां बार बार खतरे की बात हो रही कि रशिया ऑक्यूपाई करे हुए, यूक्रेन अटैक ना करे, पूरी दुनिया चिंतित है उस बारे में, इसलिए कि वो पावर प्लांट है जो न्यूक्लियर या यूरेनियम से एनर्जी बनाता है। अगर उस प्लांट पे बम गिरा तो रेडिएशन बहुत भयानक रूप से फैलेगी। तो इस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स और ऐसे रिसर्च लैब्स दोनों देश जो आपस में शेयर करना चाहें शेयर करें, कि युद्ध के समय पे इन टारगेट्स पे आप अटैक नहीं करेंगे। पूरी दुनिया में जब जब परमाणु हथियारों का जिक्र होता है, तब तब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर खतरा जताया जा चुका है। मौजूदा वक्त में देखा जाए तो SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास मौजूदा वक्त में 165 एटम बम बताए जाते हैं, जबकि भारत के पास पाकिस्तान से कम 160 परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान को लेकर ये भी कहा जाता है कि उसने 2021 में $1.1 अरब परमाणु हथियारों के निर्माण और अपग्रेडेशन पर खर्च कर दिए। अब जिस मुल्क के खाने को पैसे नहीं, दाने दाने के लाले पड़ रहे हैं, वहां न्यूक्लियर ठिकानों की लोकेशन इतनी बड़ी खबर क्यों बनती है? इसके लिए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के गवर्नर की बात सुननी चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान के एटम बम के बिकने की बात कही। वो भुट्टो बेचारा तो फांसी चढ़ गया ना, उसको कसूर तो उसका यही था। बहुत हमने इंसाफ किया उसके साथ, उसने क्यों ये जुल्म किया कि पाकिस्तान को एक ऐसा इस्लामी जमहूरी निजाम का आइन दिया, क्यों उसने एटम बॉम्ब एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें IMF के ताबे जो है वो भी हम बेचेंगे, क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बॉम्ब के। वो तो हम कह रहे हैं ना अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में, अब आखिरी ये कील ठोकेंगे भुट्टो के बाकी कफन में ये कील ठोकेंगे। हाल ही में 17 दिसंबर को पाकिस्तान के एक मंत्री
साजिया मरी ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। उसके कुछ दिन बाद पाकिस्तान के एटम बम बिकने की बात कही गई। पिछले 15 दिनों में पाकिस्तान के अंदर एटम बम का जिक्र दो बार हुआ, इसलिए ये चर्चा बहुत बड़ी है। और ऐसा भी नहीं है कि परमाणु हथियारों का जिक्र करने वाले कोई मामूली हो या फिर पाव वाले मंत्री हो, बल्कि एक प्रांत के गवर्नर और मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। पाकिस्तान जवाब देना जानता है। पाकिस्तान वो मुल्क नहीं है जो एक थप्पड़ के नतीजे में दूसरा गाल आगे करेगा। पाकिस्तान अगर थप्पड़ पड़ेगा तो उसका जवाब भी थप्पड़ से देगा। ये बात मैं आपके तवस्सुत से क्लियर करना चाहती हूँ। और अगर भारत का कोई मिनिस्टर किसी भी फोरम पर मोदी सरकार के दिफा में इतना अंधा हो जाएगा कि वो ये नहीं सोचेगा कि वो एक न्यूक्लियर मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर मुल्क के लिए उल फूल बक सकता है, तो ये उसकी गलती है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकानों की जानकारी भारत को मिलना ऐसे वक्त में आई है जब परमाणु युद्ध तो छोड़िए, युद्ध लड़ने की हालत में नहीं है पाकिस्तान। अफगानिस्तान बॉर्डर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP आतंकवादी हमले तेज कर दिए हैं। POK में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ आवाम का विद्रोह लगातार बढ़ता जा रहा है। अंदरूनी तौर पर पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है, आर्थिक तौर पर कंगाल है और दिवालिया होने वाला है। पाकिस्तान को जनवरी में 8.8 अरब डॉलर की किश्तें चुकानी है। सऊदी अरब अब UAE को 4.5 अरब डॉलर उसके पास है, जिसे ये दोनों देश 36 घंटे के नोटिस पर वापस मांग सकते हैं। चीन और सऊदी अरब से 13 अरब डॉलर की मदद मिलनी थी, मगर ये मिला नहीं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने भी 1.7 अरब डॉलर के कर्ज की तीसरी किश्त रोक दी। यानी पाकिस्तान के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, वो फटेहाल है, बेहाल है। अमेरिका ने भी IMF के जरिए कहलवा दिया है कि पाकिस्तान के एटम बम सीज करने पड़ेंगे, उसी शर्त में उसे डॉलर मिलेंगे। मेरे अभी हाथ जोड़े, आपके लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, आप इस तरह ना करें। वो हमारे पास एक ही हथियार, आप उसकी आपके साथ रिक्वेस्ट है कि उसको ना सेल करें। पाकिस्तान के लिए एटमी जानकारी देना मजबूरी भी है और जरूरी भी है, फिर चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो या खतरे को देखते हुए हो। आतंकवाद का ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कहे जाने वाले पाकिस्तान में पिछले साल 336 आतंकवादी घटनाएं हुई। सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक इन हमलों में पाकिस्तान के 282 जवानों की मौत हुई। इसमें ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी TTTP, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इस्लामिक स्टेट खुरासन जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों ने ली। अगस्त 2021 के बाद से देखा जाए तो TTP आतंकवादियों ने 400 हमले पाकिस्तान में किए, और इन्हीं आतंकवादियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई जा रही है। पाकिस्तान ने भी इन ठिकानों की सुरक्षा के लिए बकायदा एक रेजिमेंट बनाई है, जिसे SPD का नाम दिया गया है। 10,000 जवान ऐसे हैं जो खास तौर पर परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए ट्रेंड किए गए हैं। इन जवानों के ऊपर 2-स्टार जनरल हैं, यानी इनकी सुरक्षा और रखरखाव में भी अच्छा खासा खर्च आता है, जिसे मौजूदा वक्त में झेलना कम से कम पाकिस्तान के वश की बात नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान अपने परमाणु बमों पर सालाना 4 अरब डॉलर की भारी रकम खर्च करता है। अब सोचिए, जिस देश की सरकार कर्ज नहीं उतार पा रही है, लोगों को खाना नहीं खिला पा रही है, उस मुल्क में परमाणु हथियारों को बेचने की नौबत नहीं आएगी तो क्या होगा? इसीलिए अमेरिका कह रहा है कि एटम बम हमको दे दो। पाकिस्तान में अंदाजा है कि करीब 6 लोकेशंस हैं जहां मिसाइल्स हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकती हैं, और करीब 2 या 4 एयरबेस हैं जहां पर पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट हैं जो न्यूक्लियर वेपन कैरी कर सकते हैं। अब इनकी सिक्योरिटी का जो खर्चा है वो अलग अलग एंगल से, पर आप एक अंदाजन ऐसे लगा सकते हैं, करीब 10,000 से 12,000 स्पेशल सिक्योरिटी पाकिस्तान की मिलिट्री और ISI को मिला करके इन फैसिलिटीज को गार्ड करती है।
तो अगर आप इनकी तनख्वाहों को ही कैलकुलेट कर लेंगे तो एक खर्चा करीब 10,000 करोड़ का आता है सालाना। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपने सारे एटम बम बेच देगा और क्या वो इन परमाणु हथियारों को बेचकर अपना खाली पेट भर पाएगा। तो पाकिस्तान को लेकर यह भी दावा किया जाता है कि ऐसा देश है जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है। सीरिया, ईरान, इराक, लीबिया से लेकर उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचे जाने का आरोप पाकिस्तान पर लगा है। हाल ही में रूस ने दावा किया था कि पाकिस्तान यूक्रेन को परमाणु बम बनाने की टेक्नोलॉजी दे रहा है और ऐसा वो पैसों के लिए कर रहा है। रूस के इस दावे के बाद पाकिस्तान के तोते उड़ गए थे। दुनिया भर में पाकिस्तान को ये कहकर मजाक उड़ाया गया कि इमरान खान के राज में जिस पाकिस्तान ने बुरे दिन देखने शुरू किए उसे मियां शहबाज शरीफ कब्र में लेकर जाकर ही मानेंगे। अगर चांस इस तरह का बना तो हमें खरीदेगा इंडिया, क्योंकि अमेरिका के पास की बात नहीं है पाकिस्तान को खरीदना। इंडिया खरीदेगा ठीक है, हम भी इंडिया का हिस्सा बन जाएंगे। पाकिस्तान के बढ़ते मुश्किल हालात पाकिस्तान को इस कदर नीचे ले आएगा, पाकिस्तान को इस कदर नीचे ले आएगा कि पाकिस्तान सेल हो जाएगा और पाकिस्तान फिर एक दफा दोबारा से भारत का पार्ट बन जाएगा। पाकिस्तान में लोग पहले ही सरकार के खिलाफ बोलते थे, मगर अब सेना को भी खुलकर कोसते हैं क्योंकि हर तरफ बिकवाली है। और फिर वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान के एटम बम भी सेल पर लग जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान के लिए ये परमाणु हथियार उस सफेद हाथी की तरह है जिसे दिखाने के लिए तो अपने पास रख लिया, मगर पालना पाकिस्तान की औकात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।